नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जीवन में प्रत्येक मनुष्य भगवान से कुछ ना कुछ जरूर मांगता है और ऐसा भी होता है कि कई बार भगवान आपकी इच्छा को, आपकी चाहत को पूरा कर देते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि आपने जो मांगा है वह ज्यादातर आपको नहीं मिलता। तब हमें यह लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। भगवान हमसे नाराज है, पर सच तो यह है कि भगवान सभी की सुनते हैं। इस पृथ्वी पर चाहे कोई भी जीव हो या जंतु हो या मनुष्य हो, भगवान ने ही उन्हें बनाया है और भगवान को सब कुछ पता है। वह नहीं चाहते कि कोई उदास रहे, लेकिन भगवान को इस बात का पूरा पता होता है कि किसको कब और कितना देना है। अक्सर भगवान उन्हें सब कुछ दे देते हैं जिनको उनकी जरूरत नहीं होती है, पर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा कि भगवान सब पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल कुछ गिने चुने लोगों पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने मांगी हुई मुराद को पूरी कर सकते हैं। अगर आपने ये कहानी अच्छी तरह से सुन ली तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध से कहा, गुरुवर, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों की तरफ देखा और पूछा कि बताओ क्या बात है। शिष्यों ने कहा, गुरुवर, मेरे वस्त्र बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, अब यह पहनने लायक नहीं है, कृपया करके हमें नए वस्त्र दिला दीजिए। बुद्ध ने शिष्यों के वस्त्र की तरफ देखा और उनको समझ में आ चुका था कि शिष्यों के वस्त्र वाकई में गंदे हो चुके थे। बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्यों से कहकर नए वस्त्र की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने शिष्यों के निवास पर पहुंचे और उनसे पूछा कि तुम्हें और किसी चीज की जरूरत तो नहीं। शिष्यों ने कहा, मैं इन वस्त्र से बिल्कुल संतुष्ट हूं गुरुवर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बुद्ध और शिष्यों के बीच आपसी संवाद शुरू होता है। बुद्ध ने कहा, अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र आ चुके हैं तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य बोला, मैं अब उसे ओढ़ता हूं। बुद्ध बोले, ओढ़ने के पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य बोला, जी, मैंने उसे खिड़की पर लगा दिया। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने उसे चार टुकड़ों में बांट दिया और रसोई में उनका इस्तेमाल चूल्हे पर से गर्म पतीले को उतारने में करता हूं। बुद्ध ने कहा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें रसोई साफ करने के लिए प्रयोग करता हूं। बुद्ध ने कहा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें रसोई साफ करने के लिए प्रयोग करता हूं। बुद्ध ने फिर कहा, तो रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्यों ने विनम्रता के साथ जवाब दिया, गुरुवर, वह इतना तरतर हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने उसका एक एक धागा निकाला और उसकी दीप की बत्तियां बना डाली। उन्हीं में से एक कल रात आपके कक्ष में भी प्रकाशित किया गया था। बुद्ध अपने शिष्यों के इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए। वह बहुत प्रसन्न थे। उनको समझ में आ गया कि उनके शिष्यों ने वस्त्र का सही सदुपयोग किया है। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जितना भी मिला है उसका सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए, चाहे वह ज्यादा हो या चाहे वह कम हो। अगर हम उसे सही ढंग से सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। अगर किसी चीज का हम सही तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट है जो भविष्य में हमें आगे बढ़ने से रोक लेगा। भगवान भी उन्हीं को सब कुछ देते हैं जिनको उनके उपयोग करने का सही ढंग पता हो। हम आशा करते हैं हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।